हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए आज से है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिथ बर्स करेगा। पहले से बता दे रहा हूं, ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अपनी फैमिली को जरूर दिखाइए, अपने माँ बाप अपने रिलेटिव्स को जरूर दिखाइए, अपने स्कूल के टीचर्स को जरूर दिखाइए, बिकॉज ये उनकी मेंटेलिटी, ये उनके थॉट प्रोसेस को बहुत ब्रॉड करेगा और ये वीडियो मेरे सारे बच्चों को डेडिकेटेड है आज के लिए। तो भाई क्या है भाई, आज के दिन में एक नॉर्मल कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा या साइंस बैकग्राउंड का बच्चा, मैं सारे बच्चों को इंक्लूड करके बता रहा हूं, वो क्या सोचता कि भाई बारहवीं तक मैंने साइंस पढ़ ली है, बारहवीं तक मैंने कॉमर्स पढ़ ली है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे लाने हैं 99% और मुझे एडमिशन लेना है किसी बहुत बढ़िया कॉलेज में, वहां से मैं करूंगा बीकॉम और वहां से मुझे लग जाएगा बहुत अच्छा प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे होते हैं केवल 2-5% जिनका वास्तव में 99% आता है, जिनका वास्तव में भाई एक अच्छे टॉप नॉच कॉलेज जो कि मुश्किल से 10 है इंडिया के अंदर या 15 होंगे उसमें लगता है और उसके बाद लग के उनका प्लेसमेंट लगता है, मगर ये केवल 2-5% बच्चों की बातें हैं। लेकिन बाकी जो 95% बच्चे हैं वो क्या करें, जो 95% है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूं जिनका कॉलेज में सिलेक्शन या कॉलेज में बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो भी जाता है। तो भाई चलिए, बहुत मिथ बस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो व्हाट इफ वीडियो का नाम है और पहली स्लाइड के साथ शुरू करता हूं। बहुत सारे बच्चों को सारी दिक्कतें होती है, तो पहली स्लाइड ये है बेटा, इफ यू कुड नॉट स्कोर 95% और प्लस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे से पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम को, आपके 95% नहीं आए, आपका जेई नहीं निकला, आपका एंट्रेंस नहीं निकला, तब क्या होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इफ यू कुड नॉट क्लियर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। भाई CU CET जो आने वाला है वो क्लियर नहीं हुआ, क्राइस्ट कॉलेज, IIMs, नीट, जेई नहीं क्लियर हुआ, तब क्या भाई, परसेंटेज भी नहीं आए सर, एंट्रेंस भी नहीं क्लियर हुआ, करें क्या। तो भाई आगे देखते हैं, व्हाट इफ यू फेल इन CA CS CFA सीमा कॉमर्स फील्ड से हो, तुम्हें लगता था भाई मैं CA CS कर लूंगा, मैं अगले जिंदगी के 5-8 सालों में CA बन जाऊंगा और तुम वो भी फेल हो गए। भाई टफ एग्जाम, इंडिया का सबसे ज्यादा टफ एग्जाम, टॉप 2% बच्चे ही जो होते हैं वो CA CS CMA क्लियर कर पाते हैं, लेकिन तुमने अटेम्प्ट किया लेकिन तो तुमसे ये भी क्लियर नहीं हुआ, आर यू अ फेलियर। माँ बाप यही सोचेंगे, सोसाइटी यही सोचेगी, फ्रेंड्स यही सोचेंगे, टीचर्स यही सोचने वाले हैं, आर यू अ फेलियर। तो मैं 2021 पोस्ट कोविड पीरियड के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो बच्चे जो ये इन सारे एग्जाम में फेल हो चुके हैं क्या करें। एक और बात, व्हाट इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज, यहां ए लिखा है, इट्स एन एन, तो भाई क्या आप एक एवरेज कॉलेज से पढ़ रहे हो, लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी, मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सारे एक एवरेज कॉलेज है, वहां से तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ करियर में, यू आर एन ऑर्डिनरी मैन, यस यू आर एन ऑर्डिनरी मैन। सो हियर वी गो, अगर मान लेते हैं बेटा आप किसी एक एवरेज कॉलेज से पढ़ते हैं, एक नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो आप ये हैं एक नॉर्मल बंदा जो एक नॉर्मल किसी कॉलेज से, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, किसी भी एक एवरेज कॉलेज से पढ़ रहा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कोई थके हुए कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपको, मगर करना क्या है, आपको तो कंपटीशन वो बच्चों से है जो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, SRCC में पढ़ रहे हैं, जो IIM से MBA कर रहे हैं उनसे कंपटीशन है, जो IIM में IBM का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, DU JIT का पेपर क्लियर करके रखा है जिन्होंने, भाई जो IITians हैं, जो NITians हैं, जो नीट पढ़ के डॉक्टर बनने वाले हैं, आपका कंपटीशन तो उनसे है, तो आपको क्या करना है भाई, यू नीड टू स्टार्ट विद योर लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन, यू नीड टू स्टार्ट विद योर लर्निंग प्रोसेस, यहां पर क्लियरली लिखा है भी मैंने, लर्निंग क्या है, लर्निंग है स्किल्स को डेवलप करना, ये स्किल्स क्या होती है सर, स्किल्स मतलब काम करना आना चाहिए, वो स्किल्स है भाई, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, मेरे को कोई काम नहीं आता, ये दोनों अलग बातें हैं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन मुझे काम करना आता है, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है भाई, दुनिया को हर इंडस्ट्री को, अभी इलॉन मस्क का भी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू आया था ना भाई, इसमें बोला था कि मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे वो बंदे चाहिए जिनको काम करना आता है, स्किल्स है कि नहीं है, लर्निंग है कि नहीं है, रोज नया सीख सकते हैं कि नहीं सीखते हैं, अगर आप रोज कुछ नया नहीं सीख रहे हैं आप ऑब्सोलीट हो रहे हैं दिन पर दिन, रोज आप ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं भाई, ये वही बात है, आपने पैसा FD में रखा है और FD में मिल रहे हैं 4%, इन्फ्लेशन है 7%, हर साल पैसा आपका 3% से कम होता चला जा रहा है भाई, समझ रहे हो, अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो, रोज नई चीजें नहीं सीख रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं करो, अब बहुत सारे बच्चे रहते भाई मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूं सर, मैं बीकॉम पढ़ रहा हूं, मैं CA कर रहा हूं, मैं MBA कर रहा हूं, मैं BBA कर रहा हूं सर, मुझे क्या जरूरत है, जरूरत है मेरे भाई,
तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है चीजें सीखने की, ये किताबें पढ़ लेंगे भैया तो मुझे अकाउंट्स के क्वेश्चन लगाने आ जाएंगे। मगर दिस इज एजुकेशन, दिस इज नॉट लर्निंग। लर्निंग वो है जिस दिन तुमने अकाउंट्स बनाना सीख लिया, अकाउंट्स पे होने वाले फ्रॉड सीख लिए, उसके ऊपर होने वाले जितने सर्टिफिकेशन है वो तुमने कर लिए, तो तब आएगी आपकी लर्निंग। और जब आप एक बार लर्निंग कर लेंगे, चीजें सीख जाएंगे, देन यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। वो आदमी जो किसी भी बड़े कॉलेज से पढ़ रहा है उसको भी कंपटीशन देने के लिए तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे बेटा। पता है क्या, एक बहुत हार्श ट्रुथ है। हार्श ट्रुथ ये कि इंडस्ट्री में या लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखना, 99% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। भाई आप चाहे किसी भी बड़े कॉलेज से पढ़ लो, आपने नर्सिंग मोजी से पढ़ लिया है, आपने IIM से पढ़ लिया है, आपने किसी भी अच्छे किसी भी बड़े कॉलेज से पढ़ाई कर ली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है। रतन टाटा के एक इंटरव्यू में कहा गया कि भैया मैं जॉब किसको दूं, मैं जब प्लेसमेंट के लिए जाता हूं कंपनी में, मेरे लोग जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट में, तो वहां के लोगों को कुछ आता ही नहीं है सिवाय किताबों के। भाई किताबें जरूरी है, एजुकेशन पैटर्न हमारा इंडिया में ऐसा डेवलप किया गया है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो देखते हैं कितना चेंज होती है चीजें, लेकिन आज की डेट में वी आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। इंडस्ट्री रेडी मतलब क्या है, आपको काम आए, हम आपको नौकरी दें, आप सीधा मेरे यहां काम करना शुरू कर दो। मगर आज की डेट में हो क्या रहा है, लोगों का कैंपस होता है, फिर उनकी ट्रेनिंग करती है कंपनी, पैसा खर्च करती है, तब उसको एक काबिल बनाती है कि वो अपने वहां इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर आपने, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपने चीजें सीखी हुई हैं, एजुकेशन नहीं भी है, 55% भी आए हैं, 100% नहीं भी आए हैं तो भी चलेगा, आपको काम करना आना चाहिए, आप स्किलफुल आदमी हैं, तो भाई ये करना सीखो। अगर आपने किसी एवरेज कॉलेज से पढ़ाई कर रखी है ना, आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है, तो ट्राई टू बी इन दैट 1% विच इज इंडस्ट्री रेडी। ऐसा आदमी बन जाओ जिसको सारे काम आते हैं, ऐसा आदमी बन जाओ कि कोई कंपनी वाले तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। आज कंपनी में काम करोगे, कल कंपनी के ओनर बनोगे। भाई बात बहुत सही बता रहा हूं मैं आपको, स्किल्स डेवलप करिए। जैसे बोलते नहीं, जिसको आपको, जो काम आपको आता नहीं है उसका कभी धंधा नहीं करना, और जो तुम्हें काम आता है उसका धंधा कभी छोड़ना नहीं। तो बात समझ में आ रही है, अगर आप स्किलफुल हैं आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मान लेते हैं भाई आपने सलून खोल लिया है, लेकिन तुम्हें बाल काटना नहीं आता, तुम्हें नाई बेवकूफ बना के चला जाएगा, तुम्हें नई बेवकूफ बना के चला जाएगा। और लेकिन अगर तुम्हें बाल काटने आते हैं, तुमने 100 एम्प्लॉइज भी रख लिया है, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सैलून इंडस्ट्री के तुम भाई बहुत बड़े मालिक बनने वाले हो। तो कोई भी काम करना है उसके पहले स्किल डेवलप करनी है, रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके हम फाइटबैक कर पाएंगे, तब जाके हम उनको कॉम्पिटिशन दे पाएंगे जो बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हैं। और बड़े कॉलेज से पढ़ भी रहे हैं तो भी क्या, हम उस 1% पे बनेंगे जो कि इंडस्ट्री रेडी होंगे। चलो एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूं, और ये थोड़ा डार्क साइड है हमारी पूरी इकोनॉमी के, कुछ चीजें इतनी खराब है हमारे इंडिया के अंदर, वो सारा कंपैरिजन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि क्या जो मैं बोल रहा हूं ये सच बात है भी कि नहीं, क्या तुमने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। तो चलो भाई देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एवरेज सैलरी, और सब लोग जरा कैलकुलेटर निकाल लेना। और आप सबके वहां ये तीन लोगों ने काम कभी ना कभी जरूर किया है। तीन लोग कौन है, पहले कैटेगरी में कारपेंटर, घर में कभी ना कभी कारपेंटर आया होगा। कारपेंटर क्या पैसे लेता है, रोज के सर 1000 से 1500 रुपए, बहुत बढ़िया कारपेंटर तो 1500 रुपए, एवरेज कारपेंटर तो 1000 रुपए पर डे लेता है। तो अगर 1000 रुपए पर डे है तो महीने की सैलरी होगी उसकी 30,000 रुपीज, साल का 3.6 लाख का पैकेज है उसका। और अगर कहीं उसका 1500 रुपए पर डे है तो महीने का हो गया 45,000, और साल भर का उसका पैकेज हो गया 5,40,000। तुमको जान के हैरानी होगी ना, जो टॉप कोर्सेज हैं इंडिया में उनका एवरेज पैकेज की तरफ मत जाओ भैया, एक हाईएस्ट आ गया, एक लोएस्ट आ गया, उसका एवरेज निकाल दिए। ऑन एन एवरेज ज्यादातर बच्चों का इतना पैकेज नहीं होता है आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो पूछो सीनियर से, ये लबी डबी बातें करना बंद कर दो कि भाई एवरेज पैकेज, अरे 1 का 2 करोड़ आ गया, 1 का 10,000 आ गया, एवरेज निकालोगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। एवरेज की तरफ मत भागो, पूछो उन बच्चों से जो MBA कर रहे हैं अच्छे अच्छे कॉलेज से, उनका 5 लाख 6 लाख का पैकेज नहीं लग रहा आज की डेट में। ये बहुत कड़वा सच है हमारी इंडस्ट्री का, एजुकेशन इंडस्ट्री का। क्यों नहीं लग रहा उसके पीछे भी बात बताऊंगा मैं आपको। आते हैं लेबर्स, इंडिया के अंदर लेबर्स, लेबर की दो कैटेगरी, एक मिस्त्री होता है ना जो कि काम करता है, एक लेबर्स होते हैं जो उसकी हेल्पिंग हैंड होते हैं। लेबर्स का आज के डेट में दिहाड़ी जिसे बोलते हैं 500 से 700 रुपए है, और एक मिस्त्री की जो कि लेबर की कैटेगरी के ही अंदर आता है उसकी है 1000 रुपए तक। तो ये कमाते हैं 500 से 1000 रुपए पर डे, 500 मतलब महीने का 15,000 × 12, 1,80,000, शर्म आ जाएगी, इतना पैकेज नहीं होता आज के डेट में किसी भी MBA का। आपको सुन के बुरा लग रहा होगा भाई,
ये सच बात है, पूछो जाके एमबीए कॉलेजेस में, वो सीनियर जो तुम्हारे किसी भी एक नॉर्मल एमबीए कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 5-5 लाख रुपए फीस दी है, काम क्या कर रहे हैं, टेलीकॉलर का काम कर रहे हैं, कॉलिंग का काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए मिलता है एमबीए को। तो ये हार्श रियलिटी है, ये बहुत बुरा हो रहा है हमारी इंडस्ट्री, हमारी पूरी कंट्री के साथ। फिर आते गार्ड, मैं नहीं कह रहा काम छोटा है भाई, मगर ये काम मैं नहीं कह रहा कि लेकिन तू एजुकेशन इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें इन्वेंशन कर सकता है। मैंने बोला ये लोग छोटे हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं की ना, तूने तो पढ़ाई की है, तुझे तो कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तुझे तो आरओआई पता है ना, कितना पैसा लगाने के बाद कितना पैसा मिलना चाहिए, वो तो समझ, स्किल्स लेकर आ, सीख, इनको आता है, तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं ये, इसे गार्डनिंग करनी आती है, इसको 800 से 1200 रुपए पर दिन का मिलता है मेरे भाई, इसके अंदर स्किल्स है, भले कैसी भी स्किल्स हो, इसके अंदर ये कारपेंटर, इसके ये स्किलफुल आदमी है, ज्यादा पैसा कमाता है, बशर्ते वो बच्चे से जो बहुत अच्छे या बहुत ही डिसेंट, बहुत ही बिलो एवरेज कॉलेज से पढ़ाई करके निकलते हैं। ये हार्श रियलिटी है भाई, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो बच्चा जो मेरा ही पढ़ाया हुआ या किसी का भी पढ़ाया हुआ, इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतने ज्यादा पैसे लगाए हैं, इतने कम पैसे कमाओगे, डिप्रेशन में जाओगे फ्यूचर में, तो उस डिप्रेशन से बचना है मेरे भाई। और आप आते हैं हार्श रियलिटी जो सच है वो बताते हैं भाई। आओ देखो, अगर आपने सीए किया, आपने सीएस किया और आपने सीएमए किया और आप अर्ली, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा, स्टार्टिंग पैकेज वुड बी 30,000 रुपीज पर मंथ। क्या बात कर रहे हैं सर, एक सीए को 30,000 रुपए पर मंथ मिलता है, पूछो सीएस, मेरी वाइफ इज अ कंपनी सेक्रेटरी, आई नो इन एंड आउट, बहुत सारे दोस्त मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आगे चल के पैसा बढ़ेगा बिल्कुल, बिकॉज इतना टफ पेपर क्लियर किया तुमने यार, लेकिन स्टार्टिंग पैकेज 30,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन अगर इसी में और सारी स्किल्स भी तुम्हें आती हैं, एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे कल को, बहुत पैसा छापोगे। लेकिन व्हाट इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी बन पाए तो क्या, एमबीए करते हैं, एवरेज सैलरी 15,000 पर मंथ, पूछो पूरे इंडिया के कॉलेज, 300 से ऊपर कॉलेज हैं इंडिया में तो ज्यादा है भाई, लखनऊ की बात कर रहा हूं मैं, यूपी की 300 कॉलेज तो यूपी में ही है भाई एमबीए के, पूरी इंडिया के सारे बच्चे जो एमबीए करते हैं उनकी एवरेज सैलरी समवेयर नियर अराउंड 15,000, 15,000 रुपए पर मंथ में घर कैसे चलाओगे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, और आज की जनरेशन के बच्चे हो तुम्हें ये सच जरूर पता होगा, अगर आप फ्रीलांसर हैं, सुना है फ्रीलांसर कौन होता है, ऐसा आदमी जिसको काम करना आता है घर पे बैठ के, कोई भी स्किल है उसके अंदर, अगर भाई आज की डेट में बैठ के तुम्हें कोडिंग आती है, छोड़ दो कोडिंग नहीं आती, तुम्हें फ्रीलांसिंग आती है, फ्रीलांसिंग में क्या चीज आती है, तुम्हें मान लेते हैं थंबनेल्स बनाने आते हैं, तुम एक यूट्यूबर एज अ करियर चूज करते हो, तुम्हें तुम्हें डांस करना आता है, तुम्हें गाना गाना आता है, तुम्हें पेंटिंग करनी आती है, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, आराम से आज की डेट में कोई भी फ्रीलांसर इज अर्निंग बिटवीन 1 to 1.5 lakh रुपीज पर मंथ। यहां से यह साबित होता है मेरे भाई, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, डिग्री नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे फ्रीलांसर्स को मैं जानता हूं भाई, उनको आता है काम, कमा रहे हैं पैसा दबा के, नहीं आएगा काम नहीं कर पाओगे, नहीं आएंगे पैसे भाई, सीधी सी बात है, सबको काम चाहिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बात एकदम समझ में आ रही। अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस में तुम्हें सब आना चाहिए, तब जाके तुम्हें पैसे पीछे भागेंगे तुम्हारे भाई। थ्री इडियट्स में बोला है काबिलियत इंपॉर्टेंट है, काबिल बनो, डिग्री पिग्री के चक्कर में ना पड़ो भाई, डिग्री मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फुनसुक बांगड़ू को देखते ही हम सब लोग, जो कि आज सोनम के नाम से जाने थे, सोनम बांगचुक, सच बात है यार, ये काबिल बनो, काबिल बनो, काबिल बनो, स्किल सीखो, स्किल सीखो, स्किल सीखो, बार बार मैं यही बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इस कमेंट सेक्शन में मुझे गाली लिखने वाले हैं, सर ये तो अपना कोर्स बेचते हैं, भाई नहीं करना, मैं कोर्स नहीं बेच रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चा लोग कि ये जरूरी है आज की डेट में, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है बेटा। अब बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भाई जय माता दी, भगवान सबका कल्याण करे, ठीक है भाई। तो अभी इस सीरीज में अगले 4 दिनों के अंदर मैं आपको, अगर ये वीडियो अच्छा आता है और आपके कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि अलग अलग फील्ड में आप कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे, वो सर्टिफिकेशंस जो ऑथेंटिक है, जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, और जो सरकारी मान्यता प्राप्त भी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपको ऐसा वीडियो देखना है, तो बताओ मेरे को, 4 दिनों के अंदर 4 डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारे सर्टिफिकेशन बताऊंगा। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।